और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। युद्ध स्तर पर कोरोना वैक्सीनेशन लगाने को लेकर डीएम ने की बैठक। बैठक में सभी ब्लॉक के एनएम और आशा कार्यकर्त्री रही शामिल। 1 जून से 18 साल से 44 साल तक के लोगों को लगाया जाएगा कोरोना वैक्सीन। 18 से 44 साल के प्रतिदिन 1400 लोगों को कोरोना टीका लगाने का लक्ष्य। हर गांव में 2 एएनएम, 2 आशा कार्यकर्त्रियों के साथ निगरानी समिति के लोग भी रहेंगे मौजूद। गाजीपुर में 1 जून से 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने की तैयारियां तेज कर दी गई है। इसके लिए जिले को शासन स्तर से पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। प्रतिदिन 1400 लोगों को पहला डोज लगाने का लक्ष्य है। इसके हिसाब से जिले में 5 दिन के लिए कुल 7000 डोज शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के मंडल स्तर से प्राप्त हो गए हैं। 1 जून से युद्ध स्तर पर कोरोना वैक्सीनेशन कराने के लिए डीएम ने स्वामी सहजानंद पीजी कॉलेज में जिले के सभी ब्लॉकों के एएनएम और आशा कार्यकर्त्रियों के साथ बैठक की। बैठक में डीएम एमपी सिंह ने बताया कि 1 जून से जनपद में 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया जिले में हर दिवस में कम से कम 1400 नागरिकों का टीकाकरण किया जाना सुनिश्चित करना है। इस संबंध में डीएम ने जिले के सभी ब्लॉक के एएनएम और आशा कार्यकर्ता के साथ बैठक की है। बैठक में डीएम ने कहा कि प्रत्येक गांव में निगरानी समिति के साथ 2 एएनएम और 2 आशा कार्यकर्तियों द्वारा वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। साथ ही उन लोगों का टीकाकरण युद्ध स्तर पर किया जाएगा जो अभी 45 साल के ऊपर के लोग टीकाकरण से वंचित हैं। महताब आलम की रिपोर्ट। टीकाकरण का कार्य तत्काल प्रारंभ हो सके, आपको इंतजार करना है और ये सभी लोग आपकी मदद करेंगे।